सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आने वाली अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अभी जो रैली निकाली गई है श्याम सुंदर जी, वो किस विषय को लेकर थी और कहां कहां निकाली गई? ये रैली नहीं है, चूँकि हम लोगों का किसान चौपाल पंचायत जी। और किसान चौपाल पंचायत की क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि आज पूरे देश में और प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो कोई किसान है, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश का जब नाम आता है तो हमारे ऐसे मुख्यमंत्री बैठे हैं कि वो किसानों की तरफ ही नहीं देख रहे, क्योंकि उनको किसानों का कोई मालूम नहीं है। वो किसान के बेटे भी नहीं हैं, वो तो एक साधु संत हैं, और साधु संत को बैठा दिया, अगर बंदर के हाथ में तलवार दे दोगे तो कहीं ना कहीं चलाएगा। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर क्या कहना है, जैसे डीजल हम उसी पे आ रहे हैं जी। आज जो परिस्थितियां हैं, जैसा कि हमने अपने भाषण में भी कहा जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब प्रदेश और देश में नहीं थी तो ये लोग अगर 42 रुपये डीजल था तो ये संसद नहीं चलने देते थे। गैस का सिलेंडर जब 500 रुपये था, 465 रुपये था, तो स्मृति ईरानी अपने सिर पर धर के और नाच करती थी, डांस करती थी, और आज 1000 रुपये हो गया है, उनको शर्म नहीं आ रही है, वो सरकार में है। इसी तरह से जो किसान की माली हालत है बहुत ख़राब है, किसान ने अपना गेहूं नहीं बेच पाया, MSP कर दी 1975 रुपये, 1925 रुपये और 1500 रुपये में किसान को अपना गेहूं बेचना पड़ा। इसी तरह से धान की आज जो कीमत है वो MSP पर नहीं बिक रही है, जगह जगह धान के केंद्र नहीं खोले गए, इसलिए जो महंगाई है, चूँकि पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर और पूरे मार्केट में, चाहे आज सरिया का रेट हो वो भी 4000 से लेके 6000 हो गया, सीमेंट की बोरी 250 रुपये से लेके 400 रुपये की हो गई, तो किसान क्या करें। पढ़ाई महंगी हो गई, क्योंकि किसान के बेटों को बसों से जाना पड़ता है, तो वहाँ बसों से जब जाते हैं तो किराया महंगा हो गया, किसान क्या करे, किसान की माली हालत तो दूनी हुई नहीं। जो अभी खारी पोजीशन चल रही है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है किसान विरोधी सरकार है, इसलिए हमें आज किसान रैली करनी पड़ी। किसानों का मत लेकर के देश और प्रदेश में सरकार बैठ गई है और उसको उखाड़ फेंकने का काम, क्योंकि बमीना विधानसभा में 222 नंबर है और 22 में चुनाव भी हो रहा है, तो हमें 222 विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है और 22 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश से फेंकना है और आगे 24 में केंद्र से फेंकने का काम समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। अच्छा, जो खाद की किल्लत अभी है अपने यहाँ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खाद के जब मालूम लग गया कि पूरे प्रदेश में पानी की बारिश हो गई, तो ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, खाद किसान तो बनाता नहीं है, खाद सब सरकारी कोऑपरेटिव के लोग बनाते हैं, तो इनको सरकार को चाहिए थी कि जहाँ बुआई शुरू होनी है वहाँ पहले से जो 10 दिन का समय मिला था उस 10 दिन में रह के मंगा करके हर जिले जिले में भिजवा करके व्यवस्था करानी चाहिए। किसान गूंगी बहरी है, किसानों की वो सरकार गूंगी बहरी है, किसानों की तरफ नहीं देख रही है, इसलिए हमको किसानों को जगाना पड़ेगा, किसान को जागना पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव की सरकार लाने पड़ेगी। किसान पुत्र जो अखिलेश यादव हैं, धरती पुत्र मुलायम सिंह जी, उनके बेटे अखिलेश की सरकार लाएंगे, तभी किसानों का भला होगा।